नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें और इस घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नमस्कार, बहुत ढेर सारी कॉल्स भी आ रही हैं कि ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करें रेकी से, तो आज मैं आपको रेकी से ब्लैक मैजिक को रिमूव करने का तरीका बताऊंगा और साथ ही एंजल्स से कैसे ब्लैक मैजिक को रिमूव करें दोनों में बताऊंगा। जो लोग एंजल थेरेपी जानते हैं वो लोग एंजल्स को यूज करेंगे और जो लोग रेकी जानते हैं वो रेकी से यूज करेंगे। दोनों से ब्लैक मैजिक को आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ, जो दोनों लोग जानते हैं रेकी और एंजल्स दोनों जानते हैं तो दोनों यूज कर सकते हैं एक साथ। जो अलग अलग जानते हैं तो अलग अलग यूज करेंगे। सबसे पहले रेकी से कैसे ब्लैक मैजिक को रिमूव करें। देखिए ब्लैक मैजिक होती क्या है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, काला जादू। काला जादू का मतलब हो गया कि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है, उसे ही हम जादू कहते हैं। तो उसने आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजी हुई है, सिंपल, और आपको उस नेगेटिव एनर्जी को कट करना है, रिमूव करना है। उसके लिए आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने मन के अंदर वो एक सीन क्रिएट कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए व्हाइट एनर्जी, ब्लैक एनर्जी को रिमूव करने के लिए व्हाइट एनर्जी कैसे आप डालें। सिंपल, तो रेकी को कॉल करेंगे, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई पार्टनर्स। पार्टनर कौन? गॉड। रेकी एनर्जी को पार्टनर यहां पे मानना है और आंखें बंद करके थर्ड आई में विजुलाइज करना है कि आपके ऑरा में और आपके घर के चारों तरफ या आपके दुकान में, बिजनेस में या आप दूसरे किसी पर्सन के अंदर वो ब्लैक एनर्जी कहां पे है। तो आप जब आंख बंद करके थोड़े देर के लिए रिलैक्स होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ब्लैक एनर्जी कहां कहां है। तो मान लीजिए एक से ज्यादा जगह पे आपके बेडरूम में, वॉशरूम में भी है, या आपकी कार में भी है, आपकी शॉप में भी है, आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में भी है, एक से ज्यादा जगह पे ब्लैक एनर्जी है, तंत्र मंत्र किया हुआ है, जो साधना के द्वारा तंत्र मंत्र करके कुछ कर दिया जाता है, सिंपल से लोग करते हैं, तो उसको वो ब्लैक एनर्जी कहीं कहीं है और आकर आपको डिस्टर्ब कर रही है। अब आप थर्ड आई में हंसा जेशोने सेहे की चोकुरेई बना लीजिए। अगर दाइक्यू में जानते हैं दाइक्यू बना लीजिए, ठीक है। आपके पास अगर शांति सिंबल है तो शांति भी ड्रॉ कर लीजिए थर्ड आई में, और ये थर्ड आई में ड्रॉ करने वास्ते दोनों हाथों में आप यहां पे सिर्फ चोकुरेई बनाइए, चोकुरेई। चोकुरेई बना के अब अपने बॉडी के ऊपर उसे लेकर आइए, सबसे पहले बॉडी के ऊपर चोकुरेई और सिंपल, और आप बहुत स्ट्रांगली फील कीजिए कि चोकुरेई आपके हाथों से उस एनर्जी, व्हाइट ब्राइट लाइट एनर्जी के साथ में चोकुरेई सिंबल लगातार बहुत तेज, कई लगातार, जैसे कि पानी का फवारा निकलता है, लगातार निकलता ही रहता है, पाइप से पानी का फवारा लगातार निकलता ही रहता है, तो उस तरह से व्हाइट ब्राइट लाइट एनर्जी आप अपने बॉडी के ऊपर डालिए और उसी के अंदर चोकुरेई को निकलते हुए देखिए, सिंबल्स, चोकुरेई सिंबल्स को निकलते हुए देखिए, जैसे कि मशीन गन के अंदर ढेर सारी गोलियां भरी हुई हैं और तेजी से वो गोलियां बाहर की तरफ जा रही हैं, जितना तेज जा सकती है और लगातार गोलियां निकल रही है, ढेर सारी, सैकड़ों गोलियां, हजारों गोलियां, लाखों गोलियां, ओके। और आप यहां पर उसी तरह से आपके वो जो चोकुरेई सिंबल है वो ढेर सारी गोलियों की तरह है, आपके हाथों में वो ढेर सारी चोकुरेई रूपी गोलियां भरी हुई है और आप विजुलाइज करके रेकी एनर्जी डाल रहे हैं अपने बॉडी के ऊपर, यस, चोकुरेई 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 सिंबल बहुत तेजी से निकल रहे हैं, खूब लगातार एक से ज्यादा, वो विजुलाइजेशन करना है।
व्हाइट ब्राइट लाइट एनर्जी के साथ में वो चौकुरे एनर्जी लगातार निकलती जा रही है और आपके पूरी ओरा में प्रवेश करती जा रही है अंदर और सभी चक्रों में चौकुरे मीन्स की आप चक्रों के ऊपर रखिए और हाथों के माध्यम से व्हाइट ब्राइट लाइट के साथ में चौकुरे सिंबल लगातार निकलते जा रहे हैं 2 से 5 मिनट तक लगातार अपने बॉडी के ऊपर रखिए। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई भी ब्लैक मैजिक होगी आपके बॉडी के अंदर, आपके चक्रा के अंदर कहीं भी जाके अंदर एंट्री कर गई होगी, उसको निकलने ही निकलना है। दिन में 2 बार कीजिए, सुबह शाम, बस इतने करेंगे आपके अंदर, आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक की है, चाहे पास से, दूर से, नजदीक से, और या नया पुराना कुछ भी, कितना भी भयंकर क्यों ना किसी ने तंत्र मंत्र किया हो, उसको हटना ही है। 2 से 3 बार कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए ज्यादा है तो, अपने ऊपर कीजिए लगातार करते रहिए। और ये पूरा करने के बाद आपको वापस दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में करेंगे और थर्ड आई में अपने आप को विजुलाइज करेंगे और विजुलाइज करके सिंबल्स ड्रॉ कर देंगे। हंसा जैसेन से की चोकुरे दाइकु में ये पूरा ड्रॉ कर देंगे, शांति सिंबल मालूम होते शांति ड्रॉ कर देंगे। इतना कर दिया आपने और रिलैक्स हो गए, ब्लैक मैजिक फुर खत्म, पता नहीं कहा। एक दिन में और एक से ज्यादा दिन तक कर दीजिए, कहीं कोई और बात होगी तो वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद से फिर उसी से रेकी से आप शील्ड बना दीजिए चारों तरफ। फिर रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने चारों तरफ शील्ड बना दू, बस शील्ड बना दीजिए और एक व्हाइट ब्राइट लाइट की शील्ड तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट जब हमने बताया था कि आपको किससे करना है, एंजल से करने का भी तरीका मैं बता देता हूं। तो अभी जब आपने रेकी कर लिया अपने लिए, सेम प्रोसेस आप अपने ऑफिस के लिए, जॉब के लिए, आपकी दुकान में करना है, सेम प्रोसेस यही करिए। किसी दूसरे को ब्लैक मैजिक किसी ने की हुई है, किसी दूसरे पर्सन को दूर हो या पास हो, सेम प्रोसेस कीजिए। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कीजिए और दूर बैठा है तो उसको विजुलाइज करके कीजिए। बहुत आसानी से उसकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बिल्कुल आप करिए। नहीं होती है या कोई दिक्कत आती है तो हमें कॉल कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एंजल से ब्लैक मैजिक को कैसे खत्म करना है, जो लोग एंजल जानते हैं। सिंपल, आर्क एंजल माइकल को कॉल करेंगे। आर्क एंजल माइकल को कॉल करके आप उन्हें रिक्वेस्ट डालेंगे, हे आर्कएंजल माइकल, मेरी लाइफ में और मेरे घर में या मेरे फैमिली मेंबर्स में या मेरे बिजनेस में या मेरे किसी भी काम में, किसी भी जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा होने में किसी भी तरह की कोई रुकावट आ रही है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक की है तो उसको रिमूव कर दो प्लीज, थैंक यू, ये रिक्वेस्ट डालेंगे और आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट लगा के टारगेट दे देंगे और हर एक घंटे बाद थैंक यू बोलते रहेंगे और देखेंगे कि आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ से, आपके घर से, आपके जीवन से और आपके बिजनेस से, आपके मिशन से, आपके परिवार के जीवन से सब नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर देंगे। उसके बाद आर्कएंजल रेगोल को लगा के बोल दीजिए कि आप मुझे हील करके प्रोटेक्शन दे दीजिए। आर्कएंजल माइकल आर्कएंजल रेगोल को प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए दोबारा में रिक्वेस्ट लगा दीजिए। कोई भी किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक होगी खत्म, इतना आसान है, दोनों कीजिए। थैंक यू।